हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मंथप्रिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने आपको कॉन्टिन्यूटी के 17 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे, उनको करवा दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, क्वेश्चंस हो भी गए होंगे सभी के, और कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क के लिए भी दिए थे ताकि आप लोग लगाना, जो ना है वो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता देना। वो भी आप लोगों ने लगा लिए होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके लिए उसके आगे के क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 से। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 भी अननोन वैल्यूज लैम्डा के लिए दिया गया है, जैसा कि अननोन वैल्यूज निकालने के लिए क्वेश्चन दिया था, तो ऐसा ये भी क्वेश्चन सर 18 नंबर। जो लोग इस वीडियो पर नया आया है वो लास्ट वीडियोज और उससे पहले वीडियोज को देखकर ही आए, जो इससे पहले लेक्चर हमने करवाया उनको भी देख लें, तभी चीजें क्लियर होंगी। कहा गया है एक फंक्शन दिया है fx इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एंड यहाँ पे गिवन है 4x प्लस 1, और ये दिया गया है इफ x लेस देन ऑन इक्वल टू 0, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी इज द फंक्शन continuous at x equal to 0, comma what about continuity at x equal to 1। मतलब क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि लैम्डा की क्या वैल्यू हम लें कि जो फंक्शन है हमारा वो कॉन्टिन्यूअस हो जाए, क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए, किस पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है भी या नहीं है, पहले ये हमें पता करना कि फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। उसके बाद अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया है ना हो गया वो अलग की बात है। उसके बाद फिर उसने कहा है कि व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। मतलब हमें इसको चेक करना है, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, अभी कंफर्म नहीं किया है कि कुछ भी हो सकती है, यानी रियल नंबर्स हो सकते हैं, वो वैल्यू बाद में पता होगी। पहले हमें ये चेक करना है क्या ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, ये चेक करेंगे। अगर 0 पे कंटिन्यूअस है तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, फिर कंटिन्यूटी किस पर चेक करनी है, 1 पर। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पर। अच्छा, x इक्वल टू 0 के लिए हमने आपको बता दिया कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फंक्शन की हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, f ऑफ 0 फाइंड आउट करेंगे। f ऑफ 0 हमारा क्या आएगा, जहां x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 कहां, फर्स्ट पार्ट में फंक्शन ही रहा, तो रख दो यहां पर वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 करोगे 0 आएगा, मतलब कुल मिला के आया कितना 0 आ गया। अब हम यहीं पर इसके जरा एलएचएल निकाल लेते हैं, एलएचएल अगर हम निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू, ध्यान से देखना ये एलएचएल वैसे निकाल लें जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम करते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। सो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h है तो यहां रखेंगे फंक्शन, क्योंकि 0 माइनस h मतलब लेस देन 0 होगा, तो ये बात क्लियर हो गई, लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 यहीं पर है। सो यहां पे देखना आएगा क्या, लैम्डा ब्रैकेट में 0 माइनस h का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 0 माइनस h। सो 0 माइनस h माइनस h, माइनस h का स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पे देखना 0 माइनस एच माइनस एच, तो ये कितना हो गया 2h। हम यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई द लिमिट, लिमिट अप्लाई करते हैं, तो जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ भी 0 आएगा यहाँ भी 0 आएगा, लैम्डा इनटू 0 मतलब कुल मिला के आएगा कितना 0, दो साइड तो हमारी इक्वल आ गई, 0 और ये इक्वल आ गए। अब हम क्या निकालते हैं, आरएचएल निकाल लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। सो 0 प्लस एच है, 0 से ग्रेटर वाला फंक्शन लेंगे, जहां पर एक्स 0 से ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर यहां पर है, इसके लिए फंक्शन 4x प्लस 1 है। सो 4x, x की वैल्यू 0 प्लस एच, प्लस में कितना आएगा 1, क्योंकि यहां पर 1 था 1। लिमिट अप्लाई कर लेते हैं या एक लाइन और लिख लेते हैं,
फोर एच प्लस वन, सो अप्लाई द लिमिट। जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जीरो हो गया, तो जीरो प्लस वन हमें कितना मिलेगा वन। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये क्या है जीरो, ये भी वैल्यू जीरो, ये कितनी वन। सो अगर हम देखें तो एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है। तो उसने ये कहा था कि लैम्डा की वैल्यू क्या लें कि फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए। हमें पता है कि जीरो पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब लैम्डा की वैल्यू तुम कुछ भी यहाँ कर दो, सपोज हमने कहा लैम्डा फाइव लेंगे, फोर लेंगे, थ्री लेंगे, जब हम लेंगे भी तो लैम्डा इंटू जीरो आएगा कितना, जीरो ही आएगा। अगर लैम्डा की वैल्यू फाइव है तब भी फाइव इंटू जीरो जीरो आ रहा है। यहाँ भी लैम्डा कुछ भी ले लो फाइव है तो फाइव इंटू जीरो आएगा कितना, मतलब लैम्डा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी पर, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस ही रहेगा चाहे लैम्डा कुछ भी हो, लैम्डा तुम्हारा जीरो, वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, कोई नंबर हो, वो यहां मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही हो जाएगा। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एनी रियल वैल्यू लिख सकते हैं यहां पर, एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। लैम्डा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शन क्या है हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस है, या फिर कह सकते हैं नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। सो ये क्वेश्चन था कि उसने पहले कहा, तो दो क्वेश्चन है उसमें भी, एक क्वेश्चन रहने बाकी है, पहले जीरो पे कॉन्टिन्यूअस में बताना, तो जीरो हमने चेक कर लिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। उसके बाद चेक करना व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू वन पर और कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा ये चेक करना है। पहले आप इसमें नोट कीजिएगा, फिर एक्स इक्वल टू वन पर हम चेक करते हैं। चलिए इसमें नोट कीजिए, ओके नोट हो गया वो। अब आगे देखते हैं एक्स इक्वल टू वन पर चेक करते हैं, एक्स इक्वल टू वन पर कंटिन्यूटी क्या आती है, फंक्शन कंटिन्यूअस आता है डिसकंटिन्यूअस आता है। Now at x equal to 1, x equal to 1 जो है, अगर हम देखें कि ये क्या है greater than 0 है, और greater than 0 वाला function देख लीजिए कहाँ पर है, x equal to 0 वाला function कौन सा है, 4x plus 1 ही है। अब अगर x equal to 1 लेंगे तब भी ये यूज करेंगे, 1 plus h लेंगे तब भी ये यूज करेंगे, 1 minus h करेंगे तब भी यही function होगा, क्योंकि 1 से अगर हमने h को माइनस भी किया सपोज दैट, तो ये जो भी वैल्यू रहेगी तब भी ग्रेटर देन क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो लिमिट तो यही मिलेगी ना, जब यही लिमिट है फंक्शन यही रहने वाला, फंक्शन ऊपर वाला जा नहीं सकता, क्योंकि ये फंक्शन तब यूज होगा जब x इक्वल टू, मतलब ये वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाए या लेस देन जीरो हो जाए, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, एक ही फंक्शन रहेगा, और वो फंक्शन कौन सा, 4x plus 1। सो x इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ 1 निकाल लेंगे, यहाँ रखेंगे 4 प्लस 1 कितना आएगा 5, एल एच एल निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h कर रहे हैं, सो 1 माइनस h क्या होगा 4, यही पर रखेंगे, तो हमने क्या कहा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, वो लेस देन का केस नहीं कर रहा है, यहां पे आएगा 4 1 माइनस h प्लस 1। सो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4h प्लस 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 5 माइनस 4h। हम यहां पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई द लिमिट, तो जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा 5, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, सुन हो जाएगा। ओके नाउ RHL निकालते हैं, RHL क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पे फाइंड आउट कर रहे हैं, 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h के लिए भी ऑलरेडी ये 0 से ग्रेटर है, 1 प्लस h हो गया 1 से भी ग्रेटर हो गया, तो भी यही फंक्शन आएगा, क्योंकि और कोई फंक्शन नहीं हमारे पास, ये एक फंक्शन है। सो 4x, x के प्लेस पे कितना आएगा 1 प्लस h प्लस 1, ओके सो अब ये हो जाएगा 4 प्लस 4h प्लस 1,
तो ये हो गया 5 प्लस 4 एस, हम इस पर भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई द लिमिट, अप्लाई द लिमिट, जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे फिर से हमें क्या मिलेगा 5। सो फिर लैम्डा की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, x इक्वल टू 1 पर भी जब हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं तब भी लैम्डा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 5 और 5 ही आ रहा है, कहीं भी लैम्डा का यूज नहीं आ रहा है। सो फिर फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो बस यही लिखना है for any real value of lambda function is continuous at x equal to 1। देखिए हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 में दो पार्ट थे, पहले x equal to 0 पर फिर x equal to 1 पर, तो दोनों हो चुके हैं, इसको भी नोट कीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है सो दैट द फंक्शन, फंक्शन जो हमें गिवन है वो ये गिवन है gx इक्वल टू x माइनस gx ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटीन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, हियर ये x जो दिया गया है ब्रैकेट में डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, सो हमें दिखाना है कि जो फंक्शन है हमारा जो सामने लिखा है वो क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, हमें शो करना है प्रूव दैट इट इज अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट पर अगर हम निकालते हैं तो ये क्या आता है, डिसकंटीन्यूअस आता है। तो बाकी कोई पॉइंट लेने से बेटर है मैक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, सी ले लेंगे, एक्स इक्वल टू सी। लेकिन हम बात आती है ये फंक्शन जो ये लिखा है इसका मतलब क्या, पहले हम कुछ इसको समझ लेते हैं फिर बाद में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसका जो सिंबल होता है वो हमारा ये होता है। ओके, जब भी हम यहाँ पर कोई वैल्यू को लिखते हैं तो हमेशा जब बाहर निकल के आता है वो एक इंटीजर निकल के आता है। इंटीजर क्या होता है, 1, 2, 3, -1, -2, 0, ये सब इंटीजर होते हैं, लाइक रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है, 1.2, 1.3 नहीं हो सकता। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, हमने कहा 1.2 लिखा है, इस ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1.2 लिखा है इसके सिंबल में, तो 1.2 जो है अब बाहर निकल के क्या आएगा वो हमें पता करना है कि इंटीजर क्या आएगा। तो आपको कैसे पता होगा, यहाँ पर देखिए 1.2 जो है ये दो नंबर्स के बीच की वैल्यू है, दो नंबर्स के मिडिल की वैल्यू है, कौन कौन से, 1 और 2। वैसे 11th में मिला होगा आपको, 11th में भी आपके पास मिला होगा, 11th में रिलेशनल फंक्शन बताया जाता है, नहीं समझा होगा तो यहाँ पर समझ लीजिएगा। 1.2 जो है वो दो नंबर्स के बीच की वैल्यू है, 1 और 2 के मिडिल में कहीं ना कहीं होता है 1.2। सो इन दोनों में जो स्मॉलर नंबर है, इन दोनों में क्या है स्मॉलर नंबर है, वही इसका आंसर होगा। स्मॉलर नंबर क्या है, 1 है, जैसे हमने कहा ये 0.9 है, 0.9, तो ये किसके इसके बीच की वैल्यू है, 0 और 1 के बीच की वैल्यू है, तो इन दोनों में जो स्मॉलर नंबर होगा वही इससे बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, एक और देख लेते हैं, लाइक हमने कहा 1.5 है, ये 2.5 है, 2.5 किसके किसके बीच में, 2 और 3, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक। हमने कहा 2.00001 है, तो ये किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में, पता ना 2 और 3 के बीच की तो वैल्यू है, ये 2.0001 आ रही है, 2 और 3 के बीच के, सो जो स्मॉलर नंबर होगा वही इसका आंसर होगा, स्मॉलर नंबर क्या होगा हमारा, तो क्या होगी आंसर वैल्यू। So, जब भी ये फंक्शन आते हैं तो हमेशा हम इस ब्रैकेट को जब हटाते हैं, इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो बाहर जो होगा वो इंटीजर निकल के आएगा, और वो कौन सा इंटीजर निकल के आएगा, स्मॉलर इंटीजर निकल के आएगा, इन दोनों के जो ये नंबर्स जो है जिन दो इंटीजर्स के बीच में उनमें स्मॉलर नंबर आ जाएगा। ओके, सो ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसका यूज हमें यहाँ पर करना है इस क्वेश्चन के लिए, समझ गए होंगे, जो छोटी वैल्यू होती है वही निकल के आती है, सपोज दैट माइनस में भी है, अगर ये एक और लेते हैं
कहा हमने कि माइनस 1.5 है, सो माइनस 1.5 किसके इसके बीच की वैल्यू है, माइनस 1 और माइनस 2 के, इनमें से स्मॉलर कौन सा है, माइनस 2 स्मॉलर है, तो बाहर निकल के क्या आएगा, माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो अब आता है क्वेश्चन, अच्छा अगर इंटीजर ही है तो इंटीजर आ जाएगा, फिर कुछ भी छोटी बड़ी वैल्यू नहीं निकलेगी, लाइक हमने कहा इसमें 2 ही लिखा है तो फिर ये 2 हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, तो 2 आ जाएगा सीधा। ठीक है, सो अब इस पर आते हैं। लेट कर लिया कि हम इसको चेक कर रहे हैं, लेट एक्स इक्वल टू सी पर चेक कर रहे हैं, हम किस पर चेक कर रहे हैं, सी पर चेक कर रहे हैं, सी पर फंक्शन क्या आता है, डिसकंटीन्यूअस आएगा या कंटीन्यूअस आएगा। सो पहले हम जी ऑफ सी निकालेंगे, जी ऑफ सी क्या हो जाएगा, यहाँ रखोगे सी, यहाँ भी सी रखेंगे, अभी हमने बताया था सी, यहाँ लिख लो वेयर सी इज एन इंटीजर, सी क्या है, एक इंटीजर है, तो अभी हमने बताया जब इंटीजर होता है तो इंटीजर सीधे निकल आएगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना, तो ये क्या हो जाएगा सी माइनस, मतलब क्या हो गया जी, यहाँ पे इंटीजर सी क्या है, इंटीजर है, इंटीजर मतलब लाइक 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है सी, तो सी है यहाँ पर, सी आ गया, जब ये बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स होते हैं सीधे निकल आते हैं, तो सी माइनस सी कितना हो गया जीरो। अब निकालेंगे एलएचएम लिमिट एच टेंड्स टू सी निगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस, यहाँ जी दिया गया है, एफ नहीं है, जी ले लेते हैं, फंक्शन में जी गिवन है, ओके जी सी माइनस एच हो गया, तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सी माइनस एच उठा के इस फंक्शन में रखेंगे, तो सी माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सी माइनस एच, ये सी माइनस एच तो सी माइनस एच जाएगा, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सी माइनस एच लिखा है, बाहर निकल के क्या आएगा हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, समझो जरा यहाँ पे, अच्छा जैसे हमने कहा कि हमने सपोज दैट एक्स इक्वल टू वन लिया, ध्यान से समझना जाए, यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन लिया, तो जब हम एक्स माइनस एच करेंगे तो ये वन माइनस एच होगा, वन माइनस एच होगा, एच की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 0.0001 होती है, सो जब हमने 1 से 0.00001 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 0.999 और 9 हो जाएगा, ये वैल्यू आई किसकी, एक्स माइनस एच की। अब हम कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स माइनस एच, तो ये क्या होगा 0-9999 और 9, ये वैल्यू किनके इनके बीच की है, 0 और 1 के बीच की है, तो बाहर निकल के क्या आएगा 0, मतलब ये x की वैल्यू क्या थी 1-h, मतलब हमने 1-h लिया तो वैल्यू जो निकल के आई वो क्या निकल के आई है 0 निकल के आई है। सो अगर हम देखें तो इनिशियल वैल्यू हमने ली थी वो x इक्वल टू 1 ली थी, जब हमने 1-h किया तो क्या निकला 0, तो ये है किसके इक्वल, 1-1 के इक्वल है। अब सपोज अगर हम कहते हैं एक्स इक्वल टू सी लेंगे, ध्यान से समझ लें, हमने क्या लिया एक्स इक्वल टू सी लिया, जैसे 2 ले लिया, 2 पे सपोज कर लेते हैं 2 लिया, तो यहाँ भी क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 1.999 आएगा, तो ये भी 1.999 होगा, ये कितना निकल के आएगा 1, सो अब ये क्या है यहाँ पर, तो ये 2-1 के इक्वल है, किसके इक्वल है 2-1 के, मतलब जो भी हम नंबर यहाँ ले रहे हैं जब माइनस एच करके ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेके जाते हैं तो जो नंबर आंसर में निकल के आता है वो क्या निकल के आ रहा है, उससे एक माइनस होकर निकल के आ रहा है, ध्यान से देखना, जब 2 लिया तो नंबर जो निकल गया 2-1 के इक्वल है। अगर हम यहाँ पे c लेते हैं, क्या लेते हैं c, तो यहाँ क्या होगा c माइनस एच, यहाँ क्या होगा c माइनस एच, अब c माइनस एच यही है, तो c अब यहाँ सी पर 999 तो लिख नहीं सकते, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि अगर हम इसी बेस पे ले जाते हैं, इसी बेस पे कि अगर हम c माइनस एच को निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा c माइनस 1 निकल के आएगा, क्यों निकल के आया, क्योंकि जब हमने 2 लिया था तो 1 निकला था, 1 माइनस 1 1 लिया था 0 निकला था, 1 माइनस 1, वैसे अगर हम 3 लेते तो 2 निकलता, 4 लेते 3 निकलता, तो c लेंगे तो क्या निकलेगा c माइनस 1 होगा, ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे ऐसे c प्लस एच को भी अभी देखेंगे, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा करके लिख लेते हैं कि जब हम ये c माइनस एच करना है तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, c माइनस 1 के इक्वल होगी, और अभी c प्लस एच जब करेंगे तो ये c के इक्वल आएगा, ये भी देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो c माइनस एच की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर से जब बाहर निकल रहा है तो वो निकल रहा है c माइनस 1, क्या निकल रहा है हमारा c माइनस 1,
तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो c माइनस h, माइनस यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस c और माइनस माइनस प्लस वन, c एंड c कैंसिल हो जाएगा, हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस जीरो प्लस वन कितना निकल के आ गया हमारा वन आ गया। फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो चुका है, लेकिन RHL और निकालनी है, RHL भी निकाल देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू c पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 gx, लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ c प्लस h। सो ये c प्लस h यहीं पर आएगा, x के प्लेस पे आएगा, तो c प्लस h माइनस c प्लस h, ये हो गया हमारा। So, c प्लस है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो क्या निकल के आएगा c, यहां हम रख लेते हैं माइनस c, c और c क्या हो गए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जैसे c और c कैंसिल होगा बचा क्या h, लिमिट अप्लाई करोगे क्या आएगा जीरो आएगा। सो अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट लाइन यहाँ लिखना, तो क्या आ रहा है फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL क्या इक्वल नहीं है, LHL इक्वल नहीं है, तो यहाँ RHL कर लेते हैं, यहाँ RHL, ये दोनों इक्वल है बट LHL इक्वल नहीं है, हेंस फंक्शन इज, फंक्शन क्या है हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या हो डिसकॉन्टिन्यूअस। अब सी प्लस एच को तो सी क्यों आया ये भी समझा देते हैं, तो पहले आप नोट कीजिएगा फिर उसको समझाते हैं, नोट कीजिएगा जल्दी से। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया हो, अब c प्लस एच इक्वल टू सी क्यों आया जरा ये समझिएगा। जैसे हमने कहा कि 1 प्लस एच है, जैसे हमने कहा कि हम 1 प्लस एच निकाल रहे हैं, तो 1 प्लस एच का मतलब क्या होता है, 1 प्लस 0.001, तो ये अप्रॉक्स कितना बना 1.0001 के बराबर बना जाके, तो बाहर निकल के क्या आएगा, वन निकल के आया, जब हमने वन प्लस एच किया तो क्या निकल रहा वन, अगर हम कहें टू प्लस एच है तो यहाँ भी टू होगा, यहाँ भी टू होगा, सो 2.0001 है तो बाहर निकल के क्या आएगा टू आएगा ना, फिर देखो टू आ जाएगा, क्योंकि टू और थ्री बीच की वैल्यू टू आएगा। ऐसे अगर हम कहें सी प्लस एच है तो यहाँ सी एड भले ना हो, अब सी एड तो नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन हम डायरेक्ट कह सकते हैं सी प्लस एच क्या निकल के आएगा सी आएगा, तो वही में रहता है सी प्लस एच क्या निकल गया सी आएगा, सी माइनस एच होगा तो क्या हो जाएगा सी माइनस वन हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 था, इसमें मैं केवल ये बताना कि फंक्शन हमारा क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस प्रूव करना, डिसकॉन्टिन्यूअस तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव हो गया। ओके सो नोट हो गया होगा सभी का, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। हमें सो करना है क्या x इक्वल टू पाई पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, केवल ये चेक करना है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस पर चेक करना है, एट x इक्वल टू पाई पर। पहले हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो सीधे x के प्लेस पे पाई होगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 वैल्यू कितनी होती है 0 प्लस 5, तो हमें क्या मिलेगा पाई स्क्वायर प्लस 5 मिला। क्लियर, ये वैल्यू किसकी है एफ ऑफ पाई की आई है, पाई पर हमने चेक किया पाई स्क्वायर प्लस 5 है। अब देखते हैं एलएचएल क्या आएगा,
लिमिट एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव, पहले चला तो पाई नेगेटिव होगा, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ पाई माइनस एच, एल एच एल पाई माइनस एच होगा, रखेंगे उसी फंक्शन में क्योंकि एक ही फंक्शन गिवन है, यहां पर रखेंगे तो आएगा पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच। फाइव पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइव तो फाइव है, ठीक है। सो अगर हम यहां पे देखें तो लिमिट एच टेंस टू जीरो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर पाई माइनस एच का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा ना, साइन पाई माइनस थीटा होगा तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा, प्लस 5 हो गया। यहां पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई द लिमिट। तो जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अगर हम देखते हैं तो लिमिट अप्लाई करने में हमें क्या मिलेगा, ये पाई माइनस एच है, एच जीरो होगा, लिमिट जीरो है, जीरो होगा, पाई माइनस जीरो पाई, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर में, साइन जीरो साइन जीरो जीरो प्लस फाइव, तो हमें क्या मिल गया पाई स्क्वायर प्लस फाइव। दो वैल्यू तो इक्वल आई है हमारे पास अभी तक। अब हम निकालने जा रहे हैं आर एच एल, आर एच एल निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ पाई प्लस एच, पाई प्लस एच क्योंकि आर एच एल निकाल रहे हैं। सो ये नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स के प्लेस पर रखेंगे पाई प्लस एच, तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस फाइव, लिमिट एच टेंस टू जीरो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, वहां पे बदल जाएगा तो माइनस ऑलरेडी पहले से क्या हो जाएगा प्लस साइन एच प्लस फाइव। लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई द लिमिट। जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो पाई प्लस जीरो जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई प्लस जीरो पाई है ना, पाई स्क्वायर हो गया, और ये साइन जीरो जीरो भी होना है प्लस फाइव, तो कुल मिला के आया कितना पाई स्क्वायर प्लस फाइव। आप देख सकते हैं तीनों की तीनों वैल्यू कैसी आई हमारे पास, इक्वल आएंगे, पाई स्क्वायर प्लस फाइव पाई स्क्वायर प्लस फाइव पाई स्क्वायर प्लस फाइव। सो लास्ट में लिख दीजिएगा हैज़ द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, ये लास्ट में लिख लीजिएगा हैज़ द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। और वैसे भी देख सकते हैं, देखिए अगर तुमने कहा था फंक्शन चेंज ना हो तो हमेशा वो क्या होता है कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे यहाँ देखिए फंक्शन ये जो है हमारा ये अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और साइन एक्स कैसा ट्रिग्नोमेट्रिक है, दोनों ऐड होकर अलजेब्रिक प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक बनना है, तो भी क्या आंसर कॉन्टिन्यूस ही आना, क्योंकि वैल्यूज फंक्शन चेंज नहीं हो रहे। ओके जल्दी से नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, काफी सारे क्वेश्चंस हैं अभी और इन सभी क्वेश्चंस को करवाना पड़ेगा क्योंकि इस समय लॉजिक बदल रहा है, किसी ने आगे लगा लिया हो तो अच्छी बात है, अगर किसी ने लगा लिया हो तो और अपनी रेफरेंस बुक के भी लगा सकते हो, और भी रेफरेंस बुक होंगी आपके पास तो उनसे ट्राई कीजिएगा। इस चैप्टर में इसके बाद हमें डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ानी है, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, फिर उसी में डिपेंड दो थ्योरम्स मेन है, एक रोलेस थ्योरम एंड एक है लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आती हैं, इनमें से हमेशा एक ना एक आती है आपकी, ठीक है कन्फर्म है 100% आएगी, उसको फिर उसके बाद करवाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, कहा गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, हमें बताना है डिस्कस द फॉलोइंग फंक्शन जो गिवन है उनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। जो पहला फंक्शन गिवन है ये है हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है हमें ये चेक करना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं, और यहाँ कुछ गिवन नहीं किया है किस पर चेक करना है, ठीक है तुम सी पर भी चेक कर सकते हैं, या सी पर ना चेक करें तो नॉन वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, बस सी पर ही चेक करेंगे। अच्छा इसको हम कुछ फॉर्मूले टाइप में बना लेते हैं, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, एक छोटा फंक्शन बना लेते हैं, फिर सी पर चेक कर लेंगे। जैसे आपको याद होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, हमने यहाँ रूट टू से मल्टीप्लाई किया, ठीक है इनके कोफिशिएंट ऐड किए हैं, यहाँ साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, कॉस एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, सो 1 1 का स्क्वायर करके ऐड करोगे कितना आएगा
टू और उसका अंडर रूट कर दिया। ये एक फॉर्मूला बनाने का तरीका होता है जब भी हम चेंज करते हैं फंक्शन को। सो यहाँ कितना हो जाएगा 1/√2 साइन एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√2 कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सो ये रूट टू बाहर बनाना, साइन एक्स भी रखा हमने। 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई फोर, ये कॉस एक्स रहा, 1/√2 को हमने क्या लिख लिया साइन पाई बाई फोर। बस अभी फॉर्मूला एक बन गया, ये हो गया तुम्हारा साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर। अब तुम्हें यहाँ बार बार सी रखने की जरूरत नहीं, केवल एक ही बार हम सी रखेंगे केवल एक्स के प्लस पे, बस हो जाएगा। यहाँ पर भी आप रख के सॉल्व कर सकते हैं, सी पर से कर सकते हैं, यहाँ पर भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका सही होगा। ठीक है, हमने यहाँ इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। अब हम रख रहे हैं एट एक्स इक्वल टू सी, सो एफ ऑफ सी कितना आएगा √2 साइन सी प्लस पाई अपॉन फोर, ये आएगा, सी रखा हमने यहाँ पर √2 साइन सी प्लस पाई अपॉन फोर हो गया। अब क्या निकालेंगे LHR, so LHR निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h करेंगे, तो c माइनस h कर लेते हैं √2 sin c माइनस h प्लस पाई बाई फोर, से अप्लाई द लिमिट, लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एस जीरो हो जाएगा, सो हमें मिल जाएगा √2 साइन सी माइनस पाई बाई फोर। ओके ना, यहाँ सॉरी प्लस प्लस आ गया, सी प्लस पाई बाई फोर, एच क्या हो गया हमारा 0। सो अगर हम देख रहे हैं दो पार्ट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहे हैं, दोनों लिमिट देखो दोनों इक्वल आई। अब आर्चल आपको निकालना है, यहाँ पे आर्चल आप फाइंड क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ सी प्लस एच होगा, यहाँ पे सी प्लस एच होगा, लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर से हमें यही लाइन मिल जाएगी, यही टर्म मिल जाएगी, तो तीनों वैल्यू जब इक्वल आएंगे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, सो ये वाला आप प्लीज नोट कीजिएगा, इसका आरएचएल खुद निकालिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। ओके, हो गया होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट कोई फर्क नहीं है, जहां प्लस आ रहा है वहां पे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, यहाँ भी प्लस की जगह क्या हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट है, ये पहले वाला फर्स्ट था, ये कौन सा सेकंड पार्ट है, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, तो फॉर्मूले में बस चेंज आते जाएंगे, माइनस ये माइनस अप्लाई द लिमिट, ये माइनस, फिर आरएचएल निकाल लेना, आरएचएल फिर निकालोगे फिर सी यही आएगा, तो फिर वो हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन एक साथ हो गए आपका, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट सेम टाइप का था, प्लस माइनस का फर्क था, फर्स्ट वाला हमने करवाया था, ये वाला भी हो गया, अगर नोट करना हो तो उसको नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज उसी के बेसिस पे इसको आप लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसी का थर्ड पार्ट केवल इतना फर्क है, थर्ड पार्ट भी कुछ जाना नहीं है, वो भी ऐसे दिया गया है, केवल हम उसको भी लिख दे रहे हैं, आप लोग ही ट्राई कीजिएगा उसको भी। थर्ड पार्ट गिवन है केवल साइन एक्स इनटू कॉस एक्स, ये एक फॉर्मूला है, अगर आपको दिख रहा हो ये फॉर्मूला है, बस यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लेंगे, जैसे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/√2 साइन 2x का, बस। अब फिर सी रखिएगा सी पर, साइन 2c हो जाएगा, सी प्लस एच करेंगे, एच जीरो करेंगे तब भी साइन 2c आएगा, सी माइनस एच करेंगे, सी माइनस एच करेंगे तब भी यही आएगा, तो अब इसको आप कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे एट एक्स इक्वल टू सी पर, तो ये आपके लिए होमवर्क है, मतलब ये तीनों क्वेश्चन आपको घर पर ही लगाना है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, नहीं आते हैं तो हमने बोल दिया, कमेंट बॉक्स में लिखे हमें बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, जो भी डाउट आते हैं उनको पूछिएगा जरूर, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें मिल जाएंगी। हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ फंक्शंस गिवन है, केवल इतना कहा गया है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, कोसाइन कोसेकेंट सेकेंट एंड कोटेंजेंट, मतलब चार फंक्शन है आपके सामने, कोसाइन मतलब कॉस एक्स, कोसेकेंट कोसेक सेकेंट सेक एक्स और कोटेंजेंट एक्स की क्या चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी किस पर चेक करनी है ये नहीं गिवन किया गया, जिस पर डिफाइन होगा हमने कहा था कॉन्टिन्यूटी हम वही चेक करते हैं जहाँ पर फंक्शन हमारा डिफाइन होता है, अगर कोई एक पॉइंट पर कोई एक वैल्यू पर फंक्शन नॉन डिफाइंड है डिफाइन नहीं हो रहा है तो वहाँ कॉन्टिन्यूटी हमें नहीं मिल सकती, ना ही मतलब वहाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूस
नहीं हो सकता, डिसकंटीन्यूअस हो जाए। तो देखते हैं, जैसे पहला फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, कोसाइन एक्स का मतलब कॉस एक्स, तो एट एक्स इक्वल टू, अच्छा ये सभी एंगल पे डिफाइन है ठीक है, अगर हम जीरो देखें, जीरो से लेकर पाई, पाई से टू पाई, टू पाई से थ्री पाई, सभी पे डिफाइन होता है ना, ये सभी पे डिफाइन है। तो क्या हुआ, एक्स इक्वल टू सी ले लिया और सी कब सभी को बिलोंग कर रहा है ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ सी कितना हो जाएगा हमारा, कॉस सी हो जाएगा, एंड सी भी देख लो एल एच एल कितना होगा, निगेटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ सी माइनस एच, सो लिमिट एस टेंस टू जीरो कॉस सी माइनस एच होगा, लिमिट अगर अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा कॉस सी आ जाएगा, ऐसे आप आर एच एल निकालोगे लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस C प्लस एच, एच जीरो होगा तो भी क्या आएगा पॉसिबल, मतलब इक्वल ही तो आ रहा है ना, तो फंक्शन हमारा क्या है कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन हमारा कैसा है कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट, सभी पर ये कॉन्टिन्यूअस है, चाहे जो भी एंगल ले लेंगे उस पर ये क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। अब जैसे इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं मिनट के लिए, यही पर देख लीजिए सेकेंड पार्ट, जो फंक्शन दिया गया है वो दिया गया कोसेकेंड, कोसेकेंड का मतलब क्या होता है कॉसेकेंड, ये कहीं ना कहीं फंक्शन हमें डिफाइन नहीं मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है जरा देखिएगा, अगर हम आपसे पूछें कॉसेक जीरो की वैल्यू, कॉसेक जीरो इनफाइनाइट नॉट डिफाइन, कॉसेक पाई अगेन नॉट डिफाइन, कॉसेक टू पाई अगेन नॉट डिफाइन, तो ये है क्या, हमें ये नहीं मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है एन पाई पर, एन की वैल्यू क्या है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जब x इक्वल टू एन पाई होगा, क्या होगा x इक्वल टू एन पाई, देन फंक्शन इज क्या होगा हमारा डिसकंटीन्यूअस होगा, क्या होगा डिसकंटीन्यूअस होगा ठीक है, चाहो तो आप चेक भी कर सकते हैं, यहां पर हम आपको चेक करके दिखा देते हैं, पाई पर हम चेक कर रहे हैं ठीक है, पहले लिखते हैं इसको ऐसे लिखेंगे Above function is not defined, define नहीं है at x equal to n pi. Then function is not continuous at x equal to n pi. अब हम केवल एक, अब एन पाई को छोड़ के बाकी सभी भी एक कॉन्टिन्यूअस है ठीक है ना, एन पाई मतलब क्या होता है, एन पाई मतलब जीरो पाई टू पाई थ्री पाई डेटेटस, इन सभी पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, इनके अलावा अगर कुछ भी होगा तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, हम केवल चेक कर लेते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस दिखा लेते हैं एट एक्स इक्वल टू पाई, एक्स इक्वल टू पाई पर हम दिखा लेते हैं तो कॉस पाई दिखाते हैं क्या रहेगा, ये एफ ऑफ पाई केवल आर एच एल एच एल निकाल लेते हैं उसी से क्लियर हो जाएगा, एफ पाई को छोड़ते हैं आर एच एल निकालना है, आर एच एल क्या आएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स इक्वल टू एफ पाई प्लस एच, सो एफ पाई प्लस एच मतलब कॉसेक पाई प्लस एच, कॉसेक पाई प्लस एच क्या होगा माइनस कॉसेक एच हो जाएगा ना, और जीरो रखोगे तो कॉसेक जीरो, कॉसेक जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट मतलब हमें क्या मिला माइनस इनफाइनाइट, ये आया हमारा आर एच एल, ये क्या आया आर एच एल आया, अब एल एच एल निकालना, एक मिनट के लिए ये वाला जल्दी से नोट कीजिए, फिगर को उठाते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर ये आते हैं ओके, तो आगे देखते हैं एक्स इक्वल टू पाई पर जो हमने फंक्शन कॉसेक एक्स के लिए आर एच एल निकाला तो कितना आया माइनस इनफाइनाइट आया, अब हम एल एच एल निकालते हैं जरा, जैसे हम एल एच एल निकालेंगे तो एल एच एल क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव, ये पाई पॉजिटिव था, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ पाई माइनस एच, सो पाई माइनस एच कर रहे हैं यहीं पर रखेंगे ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉसेक पाई माइनस एच हो गया, अब कॉसेक पाई माइनस एच क्या होता है प्लस का होता है,
लिमिट अप्लाई की तो क्या है, पॉजिटिव इनफाइनाइट, एक पॉजिटिव इनफाइनाइट है, एक नेगेटिव इनफाइनाइट है, मतलब हम कह सकते हैं एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, देन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, पाई पर नहीं है, देन अब सभी पे नहीं होगा, पाई जहां जहां आ रहा हूं ना पाई के टर्म्स सभी पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, देन इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन पाई, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट एन पाई, एन पाई को छोड़ के बाकी सब पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ये इसकी कॉन्टिन्यूटी थी जो हमें चेक करनी थी। ये क्वेश्चन में सेकंड नंबर आपको बिल्कुल डिटेल में करवा दिया है, आप इधर से नोट कर सकते हैं पहले ये फिर ये, ठीक है ध्यान से नोट कर लीजिएगा, इसको पूरा नोट कीजिएगा। सो ऐसे जो और फंक्शन हमें दिए गए हैं उनको भी हमें देखना होगा कि कहां पर वो नॉट डिफाइन है, जहां पर नॉट डिफाइन होंगे वहां पर हम उसको कॉन्टिन्यूअस शो नहीं कर सकते, जैसे इसको हटाते हैं फिर अगला वाला एक और देखते हैं, जो जो फंक्शन हमें गिवेन है कोसाइन कोसेकेंड सेकेंड एंड कोटेंजेंट, ओके ओके इसके आगे वाले फंक्शन को हम केवल ये आपको बता देते हैं कि कहाँ पर वो नॉट डिफाइन है, ठीक है बाकी आपको कंटिन्यूटी ऐसे शो करनी होगी। थर्ड फंक्शन जो दिया है, थर्ड फंक्शन हमें दिया गया एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, ये फंक्शन कहाँ नहीं डिफाइन होता है अगर हम देखें तो ये पाई बाई टू पर नहीं डिफाइन होता है, पाई बाई टू मतलब आपका सेक पाई बाई टू हो गया, उसके बाद और आगे पढ़ेंगे ऐसे आपको डिफाइन नहीं मिलेगा, ठीक है तो इसको जो हम देखेंगे तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एवर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, इस पर ही डिफाइन नहीं है, ठीक है एन की जगह आप जीरो लेंगे तो तुरंत ही पाई बाई टू बनेगा, पाई बाई टू पर डिफाइन नहीं है, एन की जगह जब आप वन लेंगे तो वन पाई होगा, वन पाई प्लस पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू पर डिफाइन नहीं है, ऐसे और आगे डिफाइन वो नहीं मिलेगा। सो दिस नॉट कॉन्टिन्यूअस एट दिस, अब आप चेक किस पे करेंगे, केवल x इक्वल टू पाई अपॉन टू पर आप चेक कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे x इक्वल टू किस पे चेक किया, पाई पर चेक किया, वैसे आप चेक कर लेंगे x इक्वल टू पाई अपॉन टू पे। आर एच एल और एल एच एल निकाल लीजिएगा, आर एच एल एल एच एल अगर इक्वल आ जाते हैं वही दोनों इक्वल नहीं आएंगे, बाकी फंक्शन वैल्यूज तो फर्क नहीं पड़ता है, आर एच एल एल एच एल निकालिएगा वही दोनों माइनस प्लस का फर्क आ जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट जो गिवन है वो कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट मतलब cos x, तो cos x तो पता ही है पाई पे होगा ना, ये भी तुम्हारा आपका केस पे होगा, टेन जीरो है तो ये भी जाएगा किस पर आपका टेन नाइनटी पे जाएगा, टेन नाइनटी उस पर कॉट नाइनटी, कॉट नाइनटी कॉट जीरो जब हम देखते हैं तो क्या आता है, हाँ ये तो कॉट जीरो पता, कॉट नाइनटी तो हमारा डिफाइन हो जाएगा, उल्टा होकर जीरो हो जाएगा। सो एवर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू एन पाई, ये भी एन पाई पर ही है, आप पाई पर चेक कर लीजिएगा, एन पाई पर क्यों है क्योंकि जब हम जीरो लेंगे तो जीरो आएगा, कॉट जीरो इनफाइनाइट, एंड फिर हम एक्स इक्वल टू यहाँ पर वन लेंगे तो वन पाई आएगा, कॉट इक्वल टू फाइव पाई आएगा, कॉट पाई की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ऐसे ही नॉट डिफाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको घर पर ट्राई करना है, जैसे हमने ये वाला बताया है सेकंड नंबर, वैसे ये इन दोनों को छोड़ के बाकी सब पे डिफाइन है, इन दोनों वाले पॉइंट को छोड़ के बाकी सब पे डिफाइन है, तो वहाँ कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन है डिस्कस फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हमें वही बताना है कि फंक्शन कहां कहां डिसकंटिन्यूटी होगा, ठीक है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब हमें यही चेक करना है फंक्शन किस किस पॉइंट पर किस किस वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस मिलेगा और कहां पर नहीं मिलेगा। जो फंक्शन गिवन है वो हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स,
एंड x प्लस वन एक्स लेस देन एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ये गिवन किया है। तो इस फंक्शन को चेक करना है। अब देखिए हमें आपको बता दिया है कि जब लिमिट कोई भी हम लेते हैं अगर फंक्शन नहीं बदल रहा है तो फंक्शन वहाँ कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे अगर हम एक्स लेस देन जीरो कुछ भी लेते हैं माइनस वन, तो एक ही फंक्शन रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये फंक्शन क्या होगा, एक्स लेस देन जीरो के लिए कॉन्टिन्यूस रहेगा, ग्रेटर देन जीरो के लिए भी कॉन्टिन्यूस रहेगा। बस जीरो पे चेक करना है, क्योंकि जीरो पे क्या है, दो फंक्शन है, जीरो पे चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इट्स कॉन्टिन्यूस है। देखते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पहले एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे है ना इक्वल, इक्वल यहाँ पे है फंक्शन ये है, तो जीरो प्लस वन कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं एल एच एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो निगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। सो जीरो माइनस एच है, तो जीरो से एच माइनस कर रहे हैं, तो फंक्शन देखिए कौन सा होगा, लेस देन वाला। लेस देन कहाँ पे, ये रखते हैं साइन जीरो माइनस एच अपॉन में भी जीरो माइनस एच। सो हमें ये मिल जाएगा जीरो माइनस एच कितना आएगा, साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। सो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, साइन माइनस थीटा माइनस साइन क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो जाए, कैंसिल। तो ये होगा साइन एच अपॉन एच। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th में कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पर साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, वन, लिमिट अप्लाई करने के बाद। अब आर एच एल निकालते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू वन पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सॉरी जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। तो जीरो प्लस एच जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, जीरो से ग्रेटर वाला फंक्शन लेंगे जो यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एच प्लस वन। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, जीरो ही हो जाएगा ऑलरेडी, जीरो तो क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू आर एच एल और एल एच एल तीनों इक्वल है, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन क्या है हमारा कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब एट एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, सॉरी एक्स लेस देन जीरो के लिए इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और ऐसे एक लाइन यहाँ और लिख लेंगे एट एक्स ग्रेटर देन जीरो एक्स प्लस वन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, मतलब ये फंक्शन क्या कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, ये फंक्शन जो हमारा वो सभी जगह क्या है कॉन्टिन्यूस ही है, चाहे हम इसको एक्स इक्वल टू जीरो पर देखें, चाहे लेस देन देखें, चाहे ग्रेटर देन देखें, ये फंक्शन क्या रहेगा कॉन्टिन्यूस रहेगा। सो नोट कीजिएगा इसको फिर जल्दी से, तो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स जीरो इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड इफ एक्स इक्वल टू जीरो। पूछ रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है,
इज दिस अ कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कंटीन्यूअस हो करना है, किस पर शो करना है, जीरो पर। सो एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो जो हम लेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू तो सीधे सीधे पता है कितनी है, जीरो है। एल एस एल निकाल लेते हैं, एल एस एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो निगेटिव, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच। और हमने बताया था जो जीरो माइनस एच है मतलब तो नॉट ग्रेटर नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाला कौन सा केस होगा, नॉट इक्वल वाला। तो यहाँ नॉट इक्वल के लिए यही किया गया है, नॉट इक्वल के लिए है, तो यहाँ भी आते हैं, यहाँ रखेंगे हम जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच, ये आ गया। तो ये होगा क्या हमारा एच स्क्वायर साइन, ये वन अपॉन जीरो माइनस एच मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का वन अपॉन एच हो जाएगा। सो हमें पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस तो माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो गया साइन वन अपॉन एच हो गया। अब बताते हैं कि अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो जरा देखना, ये जीरो होगा लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू पता कैसे करेंगे, देखेंगे यहाँ पे अगर हम साइन वन अपॉन जीरो करेंगे तो ये तो एंगल में है ना, तो कहीं ना कहीं साइन ये इनफाइनाइट टाइप से बनेगा, साइन इनफाइनाइट मतलब एंगल बहुत आगे चला गया, एंगल ये जीरो पाई मतलब पाई टू पाई थ्री पाई डेट करके बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन हमें पता है कि साइन की जो भी वैल्यू होती है यहाँ कुछ भी एंगल आ जाए, कोई भी एंगल आ जाए, टू पाई थ्री पाई वन थाउजेंड पाई टू थाउजेंड पाई या कुछ भी आ जाए, हमेशा साइन की जो वैल्यू रहती है वो किसके मिडिल में रहती है, माइनस वन और वन के बीच में रहती है, और वो एक डिफाइन वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, डिफाइन। साइन की वैल्यू एंगल कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू हमेशा माइनस वन एंड वन के मिडिल में होगी, और कैसी वैल्यू होगी, डिफाइन वैल्यू होगी। और अगर हम वो वैल्यू कुछ भी हो लाइक हमने कहा इसके बीच में 0.189 है 2 है, हम इसमें जीरो का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, जीरो ही तो मिलेगा। तो यहाँ देखिएगा अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, जब हम लिमिट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अप्लाई द लिमिट पर, अप्लाई द लिमिट, तो ये तो माइनस है, माइनस जीरो करोगे तो जीरो ही आएगा, जीरो। ये क्या होगा, अ डिफाइन वैल्यू, क्या कह सकते हैं, डिफाइन वैल्यू बिटवीन माइनस वन एंड वन, एक डिफाइन वैल्यू है, एक एग्जैक्ट वैल्यू है, किसके बीच में, माइनस वन और वन के बीच में, कुछ भी हो कुछ नहीं पता है, अननोन वैल्यू है, डज नॉट एग्जिस्ट करने वाली वैल्यू। सो जैसे हम ये देखेंगे तो जीरो और ये इतना मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ऐसे हम क्या निकालेंगे, आर एच एल, आर एच एल जब निकालेंगे तो जीरो प्लस हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, अभी भी नॉट इक्वल का ही केस है, जीरो प्लस एच फिर से नॉट इक्वल, तो फिर यही रखेंगे। सो सीधे रख देते हैं, क्या मिल जाएगा हमें देख लीजिएगा, एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच मिलेगा, एक मिलेगा, लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई द लिमिट जैसे करेंगे तो ये भी वही होगा जीरो, क्योंकि यहाँ जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, जीरो। और ये भी क्या है, अ डिफाइन वैल्यू बिटवीन माइनस वन एंड वन, ये हमें क्या मिला, जीरो। सो हम कह सकते हैं कि तीनों वैल्यू यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आर एच एल और एल एच एल तीनों इक्वल आए, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये क्वेश्चन था, आपको चेक करना था कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है किस पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर। कैसे हुआ था, पहले जीरो पर निकाला फिर हमने जीरो माइनस किया तो यहाँ पर ये आया था, जब हमने लिमिट अप्लाई की तो हमने देखा कि ये जो साइन वन अपॉन एच है ये एंगल डिफाइन नहीं हो रहा है, एंगल हमें नहीं पता कितना है, लेकिन जो भी होगा साइन लगे होने की वैल्यू लगे होने की वजह से उसकी वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होगी, माइनस वन और वन के बीच में कोई भी वैल्यू हो हम जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। ऐसे साइन वन अपॉन एच फिर से आया तो फिर हमें पता है कि जीरो जैसे यहाँ होगा तो ये एंगल नहीं पता क्या होगा, एंगल डिफाइन नहीं कितना होगा, लेकिन जो वैल्यू निकल के आएगी साइन की वो माइनस वन और वन के बीच में होगी, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, जीरो आएगा। तीनों वैल्यूज हमारे इक्वल आएंगे, देन फंक्शन इज कंटीन्यूअस किस पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो। नोट कीजिए इसको भी फिर जल्दी से, ओके सो हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कर लिया होगा।
क्वेश्चन नंबर 25 जो गिवन है वो दिया है fx इक्वल टू, केवल हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड माइनस वन, एक्स इक्वल टू जीरो। सो एक्स इक्वल टू जीरो पर चेक कर लेते हैं, बाकी हमें पता है कि वन अगर हम एक्स ग्रेटर देन जीरो पर चेक करते हैं तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा, एक्स लेस देन पर चेक करें तभी कॉन्टिन्यूस है क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं होगा, केवल जीरो पर चेंज हो रहा है तो जीरो पर चेक कर लेते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, सीधे लिखा है एफ ऑफ जीरो कितना माइनस वन, एल एस एम निकालते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। तो एफ जीरो माइनस एच है तो जीरो माइनस एच के लिए यही नॉट इक्वल टू वाला फंक्शन यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू के लिए फंक्शन ये है, तो ये कितना हो जाएगा साइन जीरो माइनस एच कॉस जीरो माइनस एच। साइन जीरो माइनस एच मतलब साइन माइनस एच, और साइन माइनस एच कितना हो गया माइनस साइन एच, माइनस कॉस जीरो माइनस एच कॉस माइनस एच, कॉस में माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं तो माइनस ऑलरेडी पहले से तो माइनस कॉस एच। लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई द लिमिट, जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यह आएगा माइनस साइन जीरो और यह आएगा माइनस कॉस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो कॉस जीरो की वैल्यू माइनस वन, तो आया कितना माइनस वन। अब क्या निकालेंगे आर एस एल, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो यहीं पर रखेंगे, यही नॉट इक्वल टू वाले फंक्शन में साइन जीरो प्लस एच माइनस कॉस जीरो प्लस एच। तो नेक्स्ट लाइन में हमें मिलेगा ये साइन एच माइनस का कॉस एच, ये अब यहां पे फिर लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाई द लिमिट तो जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे आपको पता है ये क्या आएगा साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन, तो आंसर कितना माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन। तो फंक्शन की वैल्यू एल एच एल एंड आर एच एल इक्वल है और किसके इक्वल है माइनस वन के इक्वल है, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, उसने कहा था चेक कीजिए इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, तो फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूअस है, किस पर एक्स इक्वल टू जीरो पर, अगर हम ग्रेटर देन जीरो को देखेंगे तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेस देन जीरो देखेंगे तब भी फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। सो इसको भी नोट कीजिएगा जल्दी से, ओके हो गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं अब आपके अननोन वैल्यू वाले स्टार्ट हो गए, के वाले स्टार्ट हो गए। 26 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है fx इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, x इज नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2 एंड ये 3 है x इक्वल टू पाई अपॉन 2, कहा गया फाइंड k इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कैसा है हमारा कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू पर, क्या फाइंड आउट करना है के। और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपका करवा चुके हैं, ये आप जाके देखिएगा लेक्चर 2 में, लेक्चर 2 में जो हमने टाइप 4 करवाया है, देखिएगा लेक्चर 2 में टाइप 4 जाके पीछे देखिएगा वीडियो, लेक्चर 2 में टाइप 4 पे हमने यही एग्जांपल दिया था आपको और k की वैल्यू फाइंड आउट कराई थी, आई थिंक k की वैल्यू 6 आई थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन वहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद लगा लीजिएगा, वहीं से देख के तो खुद क्लियर हो गया होगा तो वहाँ से आप लगाइएगा। इसके आगे के क्वेश्चन जो बचे हैं 34 क्वेश्चन हैं जो रिमेनिंग रह गए हैं 8 क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कंप्लीट करा देंगे। इसके आगे क्वेश्चन जिसने लगाना चाहे तो आगे लगा भी सकता है, अननोन वैल्यू वाले हैं, बस एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब आ भी गए हैं इस वाले आज के वीडियो में,
काफ़ी बेटर क्वेश्चंस रहे हैं कॉन्टिन्यूटी के, और कुछ हैं अच्छे क्वेश्चंस वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में भी मिल जाएंगे। सो फिलहाल आज यहीं तक रखते हैं, इतने कवर कीजिएगा, इतना जो भी क्वेश्चन है उनको लगाइएगा, डेली डेली क्वेश्चन लगाते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। आप अगर छोड़ छोड़ लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको जैसे वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो ट्राई करते रहिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप सभी लगेंगे इस एक्सरसाइज में, जितने भी अच्छे क्वेश्चन हमने करवा लिए हैं अभी, और एक लेक्चर और चलेगा उसमें कॉन्टिन्यूटी हो जाएगा, फिर डिफरेंसिबिलिटी और डिफरेंसिएशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।